मैंने डॉबरमैन क्यों चुना मुझे खुद को ही पता नहीं है। मैंने एक्चुअली देखा 5-6 ब्रीड, एक डॉबरमैन जर्मन शेपर्ड और लैब डॉग भी था, हॉस्की भी था, ऐसे 5-6 ब्रीड था। तो मैंने क्या किया, सबको बुलाया, तो बुलाने के बावजूद कोई नहीं आया मेरे पास, तो सिर्फ एक ही आया, ये डॉबरमैन का कॉपी आया। तो मैंने चूज़ किया कि चलो इसी को ले जाते हैं। मैक्सी, हे कम हियर, मैक्सी कम, सी वेल ट्रेन्ड डॉबरमैन। मैंने फर्स्ट टाइम ओनर हूँ डॉबरमैन, तो मुझे इतना ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं था, बट मैं जितना ट्रेनिंग हो सका उतना मैंने दिया हूँ उसको। सर देखिए काफ़ी सारा बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मेरी मैक्सी को मैंने ऐसे ही खोला छोड़ दिया हूँ। सब कहते हैं कि डॉबरमैन ब्रीड ख़राब है, बहुत मतलब लोग को देख के अटैक करता है, लेकिन मेरा जो डॉबरमैन है इतना एग्रेसिव तो है बट इतना नहीं है कि हाँ भाई खोला छोड़ दिया तो अटैक करने लगेगा। जैसे ही 4 बज जाता है, 4 बजने के बाद एक घंटे ये मैक्सी को खेलने का ज़रूरत होता है। देखो आप ब्रीड कोई भी ब्रीड चुन लो, लेकिन उसको सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप सोशलाइज नहीं करोगे तो ब्रीड ख़राब हो जाएगा, कितना भी अग्रेसिव ब्रीड होने दो। भाई मेरे साथ तो मेरा डॉबरमैन बहुत फ्रेंडली है, सिर्फ मानता है, चलो ठीक है मुझे ही मानता है, बाकी किसी को नहीं मानता है, बट हाँ पर सही है। ये डॉबरमैन तब अटैक करता है कोई मेरा पास छूने के लिए, मतलब वो सोचता है कि यहाँ पर खतरा है, तब जाके ये अटैक करता है, अदरवाइज नहीं है, फ्रेंडली है। ये देखो मेरा पास ही रहता है, मतलब मेरा पास छोड़ के कहीं भी नहीं जाता है, मैं कहीं पे भी जाऊँ पास ही रहेगा। लेकिन हाँ मैं उसको बांध के इसके लिए देखता हूँ कि भाई अदर डॉग हैं उनका साथ मैं नहीं मिलाता हूँ, तो एक बार मिल जाने के बाद क्या होता है भाई, बीमारी कौन सी डॉग में क्या बीमारी है मुझे खुद नहीं पता, तो वो ना आ जाए।